बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट जो है वो सामने आया है। यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। जो छात्र मारे गए हैं उनको लेकर उन्होंने कहा है कि छात्रों की वापसी पर केंद्र सरकार जो है वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही है। छात्रों के लिए पूरे देश में बेचैनी बढ़ी हुई है, ये मायावती ने अपने ट्वीट में कहा। मायावती ने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और इसी के साथ उन्होंने इस पर निंदा भी की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों की मौत पर उन्हें दुख है, ये बात उन्होंने कही है। इसी के साथ दुख जताते हुए मायावती ने परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि छात्रों की वापसी पर केंद्र सक्रिय भूमिका निभाए, ये अपील उन्होंने केंद्र सरकार से की है और कहा कि अभी केंद्र सरकार सक्रिय भूमिका में नहीं है। छात्रों के लिए पूरे देश में बेचैनी बढ़ी हुई है, ये मायावती ने कहा। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।